बेटा आज 11 कॉमर्स हम अकाउंट्स के अंदर लेसन 7 स्टार्ट करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। देखिए डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कितने तरह का इसके अंदर है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारे सामने पर्सनल अकाउंट के लिए ये कहा जाता है द अकाउंट which relates to an individual, individual, then firm, then company, or an institution. Is known as personal account. The account which is to be to an individual, यानी कि वो account जिसका relate जो है वो किसी भी individual firm से, किसी भी कंपनी से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से है, उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ BCM Limited, etc. अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट में इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो रियल अकाउंट एक नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, अब हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रियल अकाउंट है वो क्या है और नॉमिनल अकाउंट है वो क्या है। अब तक हमने पर्सनल अकाउंट पढ़ा है कि किसी भी इंडिविजुअल के नाम पर पर्सन हो या फिर किसी भी फर्म का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन के नाम कोई अकाउंट तैयार किया जा रहा है उसे हम पर्सनल अकाउंट को के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे अकाउंट के क्लासिफिकेशन के अंदर वो है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर रियल अकाउंट की बात हम करेंगे और नॉमिनल की बात करेंगे। दोनों को हम सेपरेटली क्या है डिस्कस करेंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे। द अकाउंट of all these things the account of all these things whose value can be measured whose value
कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसने कहा है कि वो सब चीजों के अकाउंट्स जो एक वैल्यू के अंदर मेजर किए जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम डिस्कस करते हैं किसी एक ऐसे पैसे से, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सच एज कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एक्सेट्रा। इनके अंदर हम मनी का फ्लो करते हैं, चाहे वो डेबिट साइड के अंदर हो या क्रेडिट साइड के अंदर हो। अब बात करते हैं हम बी पॉइंट, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। These accounts include the account of all expenses, एंड इनकम्स, यानी कि वो अकाउंट इनकम, यानी वो अकाउंट जिनके अंदर हम एक्सपेंसेस को और इनकम्स को डिनोट करते हैं, उनको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, सैलरी पेड, रेंट पेड, एक्सेट्रा। यहां पर हमने बताया कि रियल अकाउंट वो अकाउंट है कि ऑफ ऑल दीज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जिनकी वैल्यू जो है वो मनी के टर्म में डिनोट की जाती है, जैसे कैश अकाउंट के अंदर, मशीनरी अकाउंट के अंदर, फर्नीचर अकाउंट के अंदर। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट को जब हम बात करते हैं इम्पर्सनल के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि वो अकाउंट जो इंक्लूड करे जाते हैं उन अकाउंट्स के अंदर जिसमें आपका सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम जो है वो रिलेट करती हूँ, चाहे वो इनकम रिलेट करती है रिसीव होने से, चाहे वो आपका रेंट रिसीव हो रहा हो, कमीशन रिसीव हो रहा हो, डिस्काउंट रिसीव हो रहा हो। और यहाँ पर एक्सपेंसेस जो डिनोट करते हैं वो करते हैं आपकी पेड अप से, यानी कि जो भी चीज पेड अप कर रहे हैं आप, चाहे वो सैलरी पेड कर रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो, कमीशन पेड कर रहे हो, डिस्काउंट पेड कर रहे हो, तो वो सब चीज है, वो आपका सब जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब हम इन तीन अकाउंट्स को अलग अलग क्लासिफाई करके एक टेबल बनाएंगे कि जिसके अंदर हम रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है, नॉमिनल के अंदर कौन कौन किया जाता है, और आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब हम वो टेबल बनाएंगे।
अब हम बेटे यहाँ पर टर्म शो करेंगे, कौन कौन सी टर्म जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर आती हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, उसके बाद आता है रियल अकाउंट, और उसके बाद आप शो करेंगे नॉमिनल अकाउंट। यहां पर आप पर्सनल अकाउंट के अंदर कैपिटल शो कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके साथ साथ डेप्टर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जिस तरह की आउटस्टैंडिंग है, सैलरी पर है, या आपको क्या कहना चाहिए, इंश्योरेंस पर है, एग्जांपल में लिख देता हूँ, सैलरी इंश्योरेंस। उसके बाद बात करते हैं हम कैश पेड, कैश अकाउंट, चाहे वो पेड हो या रिसीव हो, दोनों कंडीशन में कैश अकाउंट या रिसीव्ड की बात है, ये पेड की बात है दोनों कंडीशन में। फर्नीचर अकाउंट, खाली कैश की बात कर सकते हैं आप, खाली कैश अकाउंट आपको बनाना हो तब भी आप उसे रियल अकाउंट में शो करेंगे, गुडविल अकाउंट को भी आप कैश अकाउंट में शो करेंगे, यानी रियल अकाउंट में गुडविल अकाउंट, ये भी आपकी किसके अंदर शो होगी, रियल अकाउंट में शो होगी। उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में पेटेंट्स कह दीजिए, पेटेंट्स अकाउंट, ये भी आपकी रियल अकाउंट में शो हो सकती है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट के अंदर कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, उसके बाद परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सब आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे, परचेज, सेल्स, सेल्स अकाउंट, ये हो गया आपका। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये भी आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, भी आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, सेल अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, परचेज अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। उसके साथ साथ यहां पर आपका सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट के नाम से, इंश्योरेंस अकाउंट के नाम से, देखिए दो चीजों का डिफरेंस है यहाँ पर, कि अगर सैलरी पेड है तो इंश्योरेंस पेड है या रिसीव है तो भी, लेकिन अगर वही चीज आपकी आउटस्टैंडिंग को डिपेंड करती है, यानी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग, तो उस कंडीशन में भी आप जो है आउटस्टैंडिंग को पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे, और जो उसका एग्जैक्ट क्या कहते टर्म है, सैलरी या आपका इंश्योरेंस, उसे भी आप नॉमिनल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। ऐसे ही दो चीजें और, एक तो बैड डेब्ट्स,
bad debts, written off, written off, ठीक है, bad debts written off या bad debts recovered भी आप कह सकते हैं, bad debts recovered, यानी कि उसने कहा है कि bad debts जो अमाउंट हमारा ऐसे टर्म में चला गया कि जिसकी वापसी जो है वो हमें इम्पॉसिबल दिखा दे रही है, वो पैसे हमारे वेस्ट हो गए, तो उसे हम बैड डेब्ट रिटन ऑफ में कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से जो हमारा क्या कहना चाहिए डेब्टर है, वो अगर उसको पेमेंट करने पर आ जाए, तो जब वो पेमेंट हो जाती है तो वो रिकवर हो जाती है, तो उसे हम बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट बोलते हैं। तो इन दोनों के अंदर भी, इन दोनों के अकाउंट में भी आप जो है नॉमिनल अकाउंट में उसे शो कर सकते हैं। थैंक यू। तो हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों अकाउंट को हमने जो है वो शो किया, और तीनों अकाउंट के अंदर कौन कौन से टर्म आएंगे, यानी कि कौन कौन से अकाउंट आप उसमें शो कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। कल हम इसके आगे जो है, जब हम कोई ट्रायल बैलेंस बनाते हैं या क्या कहना चाहिए इन अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं इन टर्म के बेस पर, इन अकाउंट्स के अंदर, तो वो क्वेश्चन हम कल करेंगे।